नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 9 की, भारत और समकालीन विश्व 1 के नाम से जो बुक्स है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें आपके 7 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर 7वां हम लोगों ने देखा था इतिहास और खेल के बारे में, क्रिकेट की एक कहानी देखी थी हम लोगों ने। आज के इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पहनावे का सामाजिक इतिहास क्या रहा है उसके बारे में। एक बात के लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटी का प्रॉपर पार्ट है यानी कि अध्याय है कक्षा 8, वो आपका इंग्लिश में लिखा गया है और शायद मैं उतनी अच्छी तरह से हिंदी में ना समझा पाता आप लोगों को जितना हिंदी में समझा सकता हूँ। इसलिए मैंने कहीं से एक निष्कर्ष लिया है इसका किसी और की बुक्स से, तो है वैसा ही आपका सभी रहेगा, उसका एक निष्कर्ष कर लीजिए। अगर हो सकता है कि अभी मैं दूर हूँ, मेरे पास एनसीईआरटी अपनी खुद की जो एनसीईआरटी है वो भी मेरे पास नहीं है, उस समय रहते आगे हम लोग बात कर लेंगे उसके बारे में भी। तो याद रखिए कोई ज्यादा इसमें उसमें फर्क भी नहीं है क्योंकि आगे हम लोगों ने पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये निष्कर्ष है, इसे ही पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो इसे देख लेते हैं पहनावे का सामाजिक इतिहास क्या रहा है। वही आपका लास्ट चैप्टर है इसका, भारत और समकालीन विश्व 1 का, ठीक है। इसके बाद हम लोग विज्ञान के बारे में बात करेंगे, कक्षा 9 की विज्ञान के बारे में। जैसे ही आपकी विज्ञान खत्म होती है, कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक की सभी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाती है, ठीक है। फिर बचती है आपकी कक्षा 10 11 12 की, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बस आपको एडजस्ट करते रहना है, ठीक है। कपड़े, अनुग्रह, सौंदर्य, विनम्रता और शर्म की धारणा को आकार देते हैं। लोकतांत्रिक क्रांतियों से पहले पोशाक मुख्य रूप से क्षेत्रीय कोड, पिकार और लागत से निर्मित था। लोकतांत्रिक आदर्श के फैलाव ने ड्रेसिंग के तरीके को बदल दिया। आप लोग समझ सकते हैं कि पहले सबसे पहले आपके लोग बंदरों की तरह रहा करते थे, उनके बाद उन्होंने पेड़ों की छाल या फिर आपका देखा होगा चमड़े की खाल से अपना शरीर ढकना प्रारंभ किया। उसके बाद जूट, कपास, इस तरह से खेती होती प्रारंभ होती गई। इसके बाद आप देखते हैं अब हम लोग 21वीं सदी में पहुंच गए, इस तरह आप लोग वैरायटी वैरायटी के कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन इस तरह का संस्कृति हमारे यहाँ से बदलती जा रही है, तरह तरह के कपड़े आते जा रहे हैं। अपनी जो संस्कृति थी वही साड़ी वाली, आप देखते हैं विदेशी अभी भी साड़ी हमारे यहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ की संस्कृति है उसे हमारे यहाँ के लोग छोड़ रहे हैं, उसे खराब समझने लगे हैं, और हम लोग विदेशी को अपना रहे हैं, विदेशी हम लोगों को अपना रहे हैं, समझ रहे हैं। बैग बेसैक कानून, उन सामाजिक औरतों के व्यवहार को नियंत्रित करें, कुछ विशेष कपड़े पहनने से रोकने, कुछ खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों आमतौर पर यह शराब के रूप में संदर्भित है, उस शिकार के खेल को भी कुछ क्षेत्रों में लेते हैं, यानी कि इनके इन्हें रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध नहीं लग जाते उन्हीं की बात की जाए। प्रतिवर्ष खरीदे गए कपड़ों की संख्या आय और सामाजिक रैंकों द्वारा विनियमित की गई है। रॉयल कक्षाओं का पहनावा इर्मिना, फर, रेशम, मकबल, ब्रोकेट, यानी कि रॉयल कक्षाओं का मतलब होता है कि जो उच्च कोटि के व्यक्ति, उच्च कोटि का मतलब है कि जो सामाजिक स्थिति से और आर्थिक स्थिति से ऊंचे हैं, इनकी हैसियत आर्थिक स्थिति में भी बड़ी है, यानी कि पैसे के मामले में आपसे ऊंचे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जैकबिन क्लब के सदस्यों ने खुद को सेंस क्लोट्स कहा, जो खुद को अभिजात वर्ग से अलग करने के लिए फैशनेबल छोटी पतलून पहनते थे। फ्रांस के लोग फ्रांस के लोग हैं ये रंग लोकप्रिय हो गए, नीले सफेद और लाल रंग का उपयोग करने लगे। राजनीतिक विधि, स्वतंत्रता की लाल टोपी, लंबी पतलून और क्रांतिकारी टोपी का तोला पहन, इसे भी आप लोग देखते रहते थे आंदोलन के समय। अभिजात वर्ग महिलाएं कवच पहनती थी और स्वयं को ढकते थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड मखबल टोपी फ्रांस इटली से आयात की गई सामग्री के साथ बनाए गए थे। इंग्लैंड ने कानून पारित किया जिसने 6 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को उच्च स्थिति के अलावा इंग्लैंड में बने ऊनी टोपी पहनने के लिए रविवार को और सभी पवित्र दिवसों पर मजबूर किया। यह कानून 36 वर्षों के लिए प्रभावी रहा
और अंग्रेजी उन्हीं उद्योगों को बनाने में बहुत उपयोगी हुआ। क्या हुआ करता था कि अंग्रेजों को अपने बाजारों को, अपने यहाँ के इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो भी कानून लागू करने पड़ते थे उन्हें लागू करते थे। अब सोचिए कि अगर उनके यहाँ की टोपी उनके यहाँ के वस्त्र उपयोग में ना किए जाए तो उनके बनाने का मतलब क्या रहेगा, तो इसलिए वो कानून भी लगा देते थे। इस तरह से इसे ले सकते हैं आप कि आप के यहाँ कोई काम चल रहा है आपके क्षेत्र में, एक आप ऐसा कानून पारित कर दें कि सहेली को आपकी दुकान से खरीदना की जरूरत पड़ेगी सामान। तो ये वैसे ही स्थिति थी। व्यय विषय कानून का अंत, ड्रेस कोड और कानूनों में परिवर्तन अब लोगों को विशिष्ट तरीके से तैयार करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। पुरुषों को गंभीर, मजबूत, स्वतंत्र और आक्रामक होने की उम्मीद थी। महिलाओं को तुच्छ, नाजुक, निष्क्रिय और विनम्र रूप से में देखा गया। तो ये तो आप लोग शुरू से ही देखते हैं, महिलाओं को कम ही अख्तर जाता। महिलाओं की कमर कम होनी चाहिए, पीड़ित होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। लेकिन 1830 के दशक में महिलाएं इसके खिलाफ उत्तेजित हो गईं। ये कपड़े शरीर वृद्धि को रोकते हैं, रक्त परिसंचरण में बाधा डालते हैं, मांसपेशियां अविकसित रहती हैं, वो स्पाइन का झुका रहता है। 1870 के दशक में श्रीमती स्टेंटन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला मताधिकार संघ और अमेरिकी महिला मताधिकार एसोसिएशन के नेतृत्व में लूसी स्टोन ने ड्रेस सुधार के लिए प्रचार किया। तर्क था कि पोशाक को आसान बनाने, स्कर्टों को छोटा करना और कोसर्ट छोड़ना। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि पहले महिलाओं को एक अलग तरह के कपड़े के लिए पहनने के लिए बाध्यकारी किया जाता था। फिर उसके बाद 1870 में कुछ आपके क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उसके बाद कुछ छूट दी गई। अमेलिया बिलूमर, एक अमेरिकी टखने की लंबी पतलून का पहनने जाने वाले ढीले ट्यूनिक्स को लॉन्च करने वाला पहला ड्रेस सुधारक था। पतलून को बिलूमर, रासंसल रासंसल या फिर किचरो किचरो वॉकर के नाम से जाना जाता था। वाजिद ड्रेस सोसाइटी 1881 में इंग्लैंड में शुरू किया गया। रूढ़िवादी ने बदलाव का विरोध किया, परिवर्तन नई सामग्री और प्रौद्योगिकी के रूप में आया। न्यू टाइम्स, 17वीं शताब्दी से पहले साधारण महिलाओं के पास सनी का कपड़ा, ऊन या फिर सन था। 1600 के बाद और भारत व्यापार के साथ भारतीय चिंट्स यानी कि फूलों की सूती कपड़ा कई पहुंचे। औद्योगिक क्रांति के दौरान कपास का निर्माण शुरू हो गया और कई लोगों के लिए सुलभ हो गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से कृत्रिम फाइबर ने कपड़े धोने बनाए रखने के लिए अभी भी रास्ता सस्ता और आसान बनाया। कपड़े हल्के, छोटे, सरल होते थे। समय 1914 तक कपड़े टखने की लंबाई थी क्योंकि 13वीं शताब्दी के बाद से थे। 1915 तक स्कर्ट की हेमलाइन नाटकीय रूप से बूट के लिए बड़ी थी। युद्ध में परिवर्तन, महिलाओं ने गहने और शानदार कपड़े पहनना बंद कर दिया। गोला बारूद कारखानों में युद्ध, रोजगार की आवश्यकताओं के कारण वर्ल्ड वार फर्स्ट में कपड़े कम हो गए। तेज रंगों को शांत रंगों द्वारा बदल दिया गया। स्कर्ट कम हो गया, कपड़े आराम और सुविधा के लिए सरल हो गए। फिर आपका औपनिवेशिक भारत में परिवर्तन, भारत की परंपराओं के साथ पश्चिम का प्रभाव, लोगों ने पश्चिमी कपड़ों को शामिल किया। बैगी पतलून और फींदा यानी कि टोपी को लंबे समय तक कॉलरलेस कोट में जोड़ा गया। जूते और एक घूमने वाली छड़ी के साथ सज्जनों जैसा दिखने के लिए मुख्य रूप से ईसाई धर्म में परिवर्तित दलितों के लिए आकर्षक, एक आपने देखा होगा मूवियों में आप देखते हैं इस तरह की घूमने वाली छड़ी और जूते और एक कॉलरलेस कोट, पहले की मूवियों में आप बहुत देखते हैं। पश्चिमी कपड़े के खिलाफ और पश्चिमी पोशाक के साथ बंगाली बाबूलों का मजाक बनाया गया। पश्चिमी का मिश्रण काम पर और पारंपरिक घर पर भी देखने को हमें मिला। भारत में भोजन और पोशाक के अपने सख्त सामाजिक कोड थे यानी कि कानून थे। मई 1822 में सार यानी कि नाडार नाडार और जाति अधीनस्थ के
कि महिलाओं को दक्षिणी रियासत तेमणकोर में सामाजिक स्थानों पर नायर ने अपनी ऊपरी हिस्से में कपड़ा पहनने के लिए हमला दिया। आई या बैंकुदर के तहत ड्रेस सुधारों का आयोजन किया गया और 1855 में तेमणकोर में गुलामी का उन्मूलन हुआ। आखिरकार सरकार ने एक और घोषणा जारी की जो सार महिला चाहे ईसाई कर हिंदू एक जैकेट पहने या उनके ऊपरी भाग को कवर करने की अनुमति दी गई। पगड़ी जूते। पगड़ी गर्मी से सुरक्षा और सम्मान का संकेत थी इस समय, इसे इच्छा शक्ति पर नहीं हटाया जा सकता था। टोपी को सामाजिक वरिष्ठ अधिकारियों से पहले हटा दिया गया था। अगर भारतीयों में उपनिवेशिक अधिकारियों से मिलने के लिए समय उनकी पगड़ी नहीं हटाया तो अंग्रेज अक्सर नाराज हो जाते थे। आप लोग उसी समय समझ सकते हैं कि अगर आपके गांव में कोई ठाकुर साहब रहते थे तो वहां की महिलाओं ने अगर अपने चप्पल हाथ में नहीं लिए उतार के पास में तो वो नाराज हो जाया करते थे, यानी कि बहुत भेदभाव किया जाता था। मैंने तो अभी भी देखा है कई जगह इस तरह की प्रथा को। दूसरी तरफ कई भारतीय अपने क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पहचान पर जोर देने के लिए पगड़ी पहनते। ब्रिटिश अधिकारियों को राजाओं के अदालत में जूते हटाने चाहिए होते थे, प्रथा होती थी। 1830 में यूरोपीय लोगों को आधिकारिक कार्यों पर भारतीय कपड़े पहनने से मना किया गया ताकि सफेद मास्टर्स की सांस्कृतिक पहचान कम ना हो सके। 1824 से 28 के बीच गवर्नर जनरल एम हर्स्ट ने जोर देकर कहा कि जब उनके सामने पेश हों तब भारतीयों को उनके सम्मान के रूप में उनके जूते उतारने होंगे, लेकिन यह कड़ाई से पालन नहीं किया गया। वही प्रथा जो हम बता रहे हैं ना आप लोगों को, उसी जैसी प्रथा। 19वीं सदी के मध्य तक लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। जूता सम्मान को कठोर बनाया गया और किसी भी सरकारी संस्थान में प्रवेश करने पर भारतीयों को अपने जूते उतारने के लिए कहा गया था। केवल जो लोग यूरोपीय कपड़े पहनते थे उन्हें इस नियम से छूट दी गई थी। 1862 में एक सूरत अदालत में जूता सम्मान नियम की अवहेलना का एक प्रसिद्ध मामला था। सूरत फौजदारी एड ब्लड में एक निर्धारक मनोकी कोसाजी एन टी ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपने जूते उतारने से इनकार कर दिया। न्यायाधीशों ने जूता हटाने का आग्रह किया लेकिन वह दृढ़ रहा। तो इस तरह की भी जबरदस्ती भी होती रहती थी। भारत में खुले इलाके में गंदगी के कारण जूतों को हटा दिया गया था, जो कि प्रदूषण के रूप में जूतों को सार्वजनिक स्थानों में नहीं हटाया जाना चाहिए था। अब राष्ट्रीय पोशाक डिजाइनिंग की बात करें हम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि भारतीय और यूरोपीय पोशाक के संयोजन के बजाय भारत की राष्ट्रीय पोशाक को हिंदू और मुस्लिम पोशाक के तत्वों से जोड़ना चाहिए। चपकड़ एक लंबे बटन वाला कोट पुरुषों के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक माना जाता था इस समय। 1870 के अंत में ICS के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्रनाथ टैगोर की पत्नी ज्ञानंदिनी देवी मुंबई से कलकत्ता लौटे। उसने एक ब्रह्मचर्य के साथ बाएं कंधे पर पिन की हुई साड़ी पहनने की पारसी शैली को गोद लिया और एक ब्लाउज और जूते के साथ पहना। बाद में ब्रह्मो समाजी महिलाओं ने अपनाया इसे और ब्रह्मण साड़ी के रूप में जाना लगा इसे। आप लोगों को पता होगा वैसे भी अभी भी यही आपकी अधिकतर पोशाक देखी होगी आपने। गुजरात कोडागु और केरल और असम की महिलाएं विभिन्न प्रकार की साड़ी पहनते रहीं। फिर आपका स्वदेशी आंदोलन। 17वीं शताब्दी में दुनिया के विनिर्मित वस्तुओं में भारत का 1/4 भाग था, यानी कि भारत के वस्त्र बहुत फेमस थे शुरू में। 18वीं शताब्दी के मध्य में अकेले बंगाल में 1,00,000 बुनकर थे और आपके जो विदेशी आए यानी कि अंग्रेज आए एसी को देखकर तो आए थे मसाले इस तरह के सामानों को और सूती वस्त्रों को, क्योंकि इस समय आपका इंग्लैंड की तरफ हमारे यहाँ के सूती वस्त्रों की यानी कि और भी अन्य वस्त्रों की बहुत बड़ी मात्रा में मांग होती थी और वहाँ के जो शाही घराने थे वो भी हमारे यहाँ की वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। समझ रहे हैं आप लोग। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति में यांत्रिक कताई बुनाई और कपास और इंडिगो जैसे कच्चे माल की मांग में भारी वृद्धि हुई, जो वित्तीय अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान बदल चुका। किसान को इंडिगो को बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया था और कई भारतीय बुनकर बिना काम किए चले गए।
लोगों में बैठे सामान का बहिष्कार किया गया और खादी को अपनाया गया। खराब महंगे को प्राप्त करने में मुश्किल हुई। खादी का उपयोग देशभक्ति का गद्दब बन गया। महिलाओं को अपने रेशम और कांच की चूड़ियां फेंकने और साधारण शंख पहनने कंगन पहनने का आग्रह किया गया। रब होम पुन को लोकप्रिय बनाने के लिए गाने और कविताओं का महिमा मंडल भी किया गया। आपने देखा होगा हमेशा आपके गांधी जी भी खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी के बने कपड़ों की बात करते रहे हमेशा। महात्मा गांधी उन्होंने कताई भील और चरखा होम पुन यान से कपड़ा बनाया। गुजराती बानिया जो धोती और पजामा पहनते थे समय। जब अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए और बाद में वकील के तौर पर दक्षिण अफ्रीका तक तो पश्चिमी पोशाक पहनते थे गांधी जी। 1913 में डरबन में गांधी पहली बार एक लुंगी और साथ कुर्ता में दिखाई दिया। उसके साथ भारतीय कोयला खनिकों की शूटिंग का विरोध करने के लिए शोक के संकेत के रूप में उनका सिर मुड़वा दिया गया। 1915 में भारत लौटने पर उसने एक काठियावाड़ी किसान की तरह पोशाक करने का फैसला किया। आप देखते होंगे फिर गांधी जी को। केवल 1921 में उन्होंने छोटी धोती को अपनाने दिया। उनकी मौत तक भी इस तरह के कपड़े पहनते रहे, धोती और डंडा लेकर चलते रहे। इसी तरह उन्होंने खदेड़ दिया मेरे को। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के एक साल बाद यानी कि 22 सितंबर 1921 को एक या दो महीने के लिए प्रयोग किया इन्होंने। खादी सफेद और खराब उनके लिए शुद्धता सादगी और गरीबी का संकेत था। उन्होंने 1931 में गोलमेज सम्मेलन में और बर्मिंगम पैलेस में किम जोंग भी जॉर्ज भी सामने भी लंगोटी ही पहनी थी यानी कि उसी पोशाक में वो मिलते रहते थे सभी से। इलाहाबाद के सफल बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू ने अपने महंगे पश्चिमी शैली सूट को छोड़ दिया और भारतीय धोती और कुर्ता को अपनाया। लेकिन खराब कपड़े नहीं थे ये लोग, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पश्चिमी शैली के सूट को कभी नहीं छोड़ा। कई दलितों ने 1910 के दशक के शुरुआती दिनों में 3 टुकड़ों के सूट पहनने शुरू कर दिए और सभी सार्वजनिक अवसरों पर जूते और मोजे पहनना शुरू कर दिए। क्योंकि आपने देखा होगा बाबा साहब हमेशा सूट टाई में रहा करते थे, उनकी वही पिक्स देखी हुई आपने। सरोजिनी नायडू और कमला नेहरू डिजाइन के साथ रंगीन साड़ी पहनती थी समय। गांधी ने पगड़ी को कश्मीरी टोपी तक ले लिया और अंत में गांधी टोपी। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों के बाद खिलाफत आंदोलन के उदय के साथ फ्रेज एक छदम तुर्की टोपी भारत में एंटी कोलालिजनिज्म का संकेत बन गया। एंटी कोलालिजनिज्म का संकेत बन गया। बाद में मुसलमानों की फ्रेज की पहचान बन गई। इस तरह से आपका ये चैप्टर था पहनावे का सामाजिक इतिहास रहा। इसके बारे में हम लोग अगर आगे टाइम मिलता है और जब मेरे पास बुक्स आ जाएगी तो मैं उसे भी कवर कर दूंगा आपका, ठीक है। लेकिन इससे भी आप लोग काम चला सकते हैं, ठीक। ज्यादा कुछ नहीं है, पीछे भी पढ़ते रहते हैं हम लोग इस तरह के, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो इस तरह आपकी कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक की बुक्स लगभग कंप्लीट हो गई। एक बुक्स को छोड़कर केवल साइंस, कक्षा 9वीं की साइंस हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।